एक बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए मैं यूपी गवर्नमेंट के बधाई देना चाहूँगा। हम लोग आभारी है क्योंकि हम लोग भोजपुरी फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी मदद मिलेगी। डेफिनेटली हम चाहेंगे यूपी गवर्नमेंट की तरह हमारे बिहार गवर्नमेंट भी भोजपुरी फिल्म के लिए अगर कुछ करें तो बहुत अच्छी बात रहेंगी। लेकिन यूपी गवर्नमेंट के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भोजपुरी फिल्म को ये लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दें, हिंदी से ज़्यादा सब्सिडी हम लोग को मिलनी चाहिए क्योंकि हम लोग इसके अपने बेटे हैं। यूपी के लिए भोजपुरी फिल्म की जो प्राथमिकता होनी चाहिए सब्सिडी में, वो उसमें थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा कंसीडर करें। कम नियम कानून और जो तमाम चीज़ें हैं दिक्कतें उसको नज़रअंदाज करते हुए भोजपुरी को अगर प्रेफरेंस दिया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और अच्छी बात होगी। ऐसा है कि अगर हम लोग 5 कैरेक्टर जो वहाँ के हैं अगर उनको रखेंगे तो 50 लाख रुपीज़ हमको वहाँ एक्स्ट्रा मिलता है। उसके अलावा हम अगर 70% के ऊपर हम वहाँ पर फिल्म शूट करते हैं तो उसका हम लोगों को 30 या 50% हम लोगों को मिलता है। सेकेंड मूवी जैसे अभी हमने एक पिक्चर अभिबंधन बनाई और वहाँ पे ही पूरा लोकेशन था, उसके बाद जब सेकेंड बनाते हैं तो वहाँ पे हमको 50% गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट दे रही है। जो अखिलेश जी ने जो एक कदम उठाया है काफ़ी सराहनीय है। इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में तो खैर सब जानते हैं, बहुत ही अपग्रेड हो चुका है अब तक और बहुत अच्छा है। लाइक यहाँ का जो माहौल है बहुत हैपनिंग है और इट्स एक्चुअली ए स्टेटस सिंबल कि ये मामी में लोग अपना स्टॉल लगाएं या फिर ये इट हैज़ बिकम इनिशिएटिव इज जस्ट टू गिव सब्सिडी टू द फिल्म्स व्हिच आर व्हिच विल बी शॉट इन यूपी। तो ये उनको बढ़ावा देने के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में जाकर लोग शूट करें। लाइक 70% ऑफ द मूवीज़ अगर वो लोग वहाँ जाकर शूट करते हैं then they will definitely consider it for the subsidy. हाँ जी, अभी मैं टेलीविजन पर आ रही हूँ on Sony channel. Yeah, it is सूर्यपुत्र कर्ण, obviously a महाभारत story but from कर्ण points of view and I'm playing गांधार in that. मामी फेस्टिवल के बारे में बहुत तो मैं नहीं जानता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे एक बात की बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के एक स्टॉल लगा हुआ है और मामी में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं तो उनको मालूम पड़ रहा है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं और हमारी सरकार कुछ कर रही है। फिल्म बंधु का खास करके इन्होंने जो सोचा है, अगर इस तरह से हमें सपोर्ट देते रहे हम बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है वो हमको सब्सिडीज़ देंगे और उनका मेन मकसद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग उत्तर प्रदेश में करें जिससे वहाँ के लोगों को काम मिले, वहाँ के कलाकारों को काम मिले, वहाँ के टेक्नीशियनों को काम मिले और वहाँ के डायरेक्टर्स को काम मिले और वहाँ की आम पब्लिक को भी काम मिले। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छी बढ़ रही आगे, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तब 10-12 लाख की फिल्में बनती थी और आज टुडे 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़ तक की फिल्में बन रही हैं, तो हम आगे के बढ़ रहे हैं।